अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। पाकिस्तानी ड्रामास में कुछ ऐसे ड्रामास हैं जिनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है, जैसे कि आपने मेरे पास तुम हो देखा होगा, उसके बाद खुदा और मोहब्बत, और अभी जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परीजात की। परीजात का नेक्स्ट वीक लास्ट एपिसोड है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने दिल टूटने वाले हैं और कितने लोगों को एंड पसंद आने वाला है। आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में, यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना साइट है लास्ट एपिसोड के लिए। मेरे साथ रहिए। अच्छा, आप कहती हैं कि वो मर जाएगा, मुझे लगता है। यमुना का क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसका कदन है ना। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परीजात ड्रामा टॉप ट्रेंड बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग कैसी कहानी है, कैसी एक्साइटमेंट है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला? अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी ड्रामों से, हट के यार। कोई ऐसा पसंदीदा आपका किरदार इसमें काम कर रहा है जिसकी वजह से आप ये ड्रामा देख रही हैं? यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी की एक्टिंग में ऐसी क्या खास बात? उसने फर्स्ट टाइम इस तरह की एक्टिंग की है, लाइक अच्छी लग रही है वो, ब्लाइंड होके उसका काफ़ी अच्छा करेक्टर कर भी रही है वो। पाकिस्तानी ड्रामास के जो इख्तिताम होते हैं मामूल के तौर पे ऐसे होते हैं कि आवाम रोती ही रहती है, तो आप इस पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, परीजात का एंड क्या होने वाला? इस दफा भी रोएगी, मर जाएगा वो एंड पे, आई थिंक गैंगस्टर बन जाएगा, मर जाएगा। आपको क्या लगता है? वो बन चुका हुआ है गैंगस्टर ना, तो फिर गैंगस्टर बन चुका है तो फिर गैंगस्टर का एंड ही यही होना चाहिए कि बुराई हमेशा खत्म होती है, बुराई का जो है ना खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, आप कहती हैं कि वो मर जाए? मुझे लगता है। यमुना का क्या हो? कुछ भी नहीं, उसका कदन है ना। हाँ, उसका कदन है ना, उसके साथ शादी कर लेगी वो डॉक्टर जो है वो। थैंक यू जी। ऐसी क्या खास बात है इस ड्रामे में जो पहले गुजरे ड्रामों में नहीं? एक तो सेंसिटिवनेस जो परीजात में है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक मिला है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो नॉर्मली ये सास बहू और टिपिकल किस्म के हम बीइंग कह लें कि नेशन, हमें वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, तो नज़र आता है कि एक ये डिफरेंट है। और आप किसी भी क्लास में हो, जो आपकी नेचर है वो बहुत काउंट करती है, तो आप बुरे दौर में भी अच्छे काम कर सकते हैं। एंड क्या होने वाला है, क्या लगता है, क्या सोच रही हैं कि एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं कि ये होना चाहिए और क्या होगा? एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रही हूँ कि अब जो लास्ट उनकी हीरोइन आ रही हैं इस टाइम, आई थिंक क्या नाम है उनका, यमुना ज़ैदी, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ ही उनका पैचअप हो जाएगा। यही लग रहा है। कौन सा पसंदीदा किरदार है इसमें आपका? अब तक एनी का सबसे अच्छा लगा है मुझे, लेकिन परीजात तो टॉप पर है। क्या बात है, मुझे ये बताएं कि लास्ट एपिसोड आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कितनी एक्साइटेड हैं इसके लिए? लास्ट एपिसोड में मेरा ख्याल है कि परीजात सब कुछ छोड़ के ट्रस्ट में दे देगा अपनी, और या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो फिर एनी शायद एक्सेप्ट कर ले, मे बी ऐसा कुछ हो। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं ना, इनका लास्ट का जो एंड होता है ना, आवाम को मोस्टली रुला के जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर आवाम के मुताबिक कुछ ऐसा एंड होने वाला है या फिर नहीं होने वाला? वैसे जितना दिखाया है परीजात को कि उसने बहुत कुछ देखा है, मुझे लगता है एंड बहुत अच्छा होगा। परीजात का किरदार कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि हमारी फैमिली को बहुत अच्छा लगा ड्रामा, इतना ज़बरदस्त। अहमद जो लड़का है वो इतना प्यारा काम कर रहा है, वो बाकी टीम भी करिए, लेकिन अहमद का बहुत अच्छा किया उसने। अहमद की जगह किसी और को सोचती हैं कि क्या अहमद की जगह कोई, पता क्या जिसको दिया ना वो उसको ही अच्छा लग गया है, मेरा ख्याल है। नुमान एजाज का किरदार कैसा? वो ज़बरदस्त, उसने बहुत अच्छा काम किया, वो तो अब नहीं है उसमें, लेकिन वो ख़त्म हो गया उसका, लेकिन वो अहमद लड़के ने, बाकी वो यमुना लड़की है वो भी, उसने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अदा करी।